रीठी विकास खंड के मुहास गांव के शिव मंदिर परिसर में गरीब कन्या का विवाह उसके परिवार बजाय क्षेत्र के शिक्षकों ने कराया। युवती की बारात का स्वागत करने के साथ ही पूरा खर्च शिक्षकों ने वहन किया। बेटी को विदा करते हुए उसे गृहस्थी का सामान भी उपहार के रूप में दिया। रीठी विकास खंड के भदनपुर गांव निवासी वंदना भूमिया के पिता की मृत्यु हो गई थी। इस बीच उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उसके साथ उसकी एक और छोटी बहन है। दोनों का पालन पोषण वृद्ध दादा खुशाली भूमिया कर रहे थे। खुशाली की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी नातिन का विवाह धूमधाम से कर पाते। इस बात की जानकारी जन शिक्षा केंद्र बड़गांव के शिक्षकों को लगी, जिसके बाद सभी ने मिलकर बेटी का विवाह करने का निर्णय लिया। खुशाली ने वंदना का विवाह खमरिया जिला पन्ना निवासी धर्मेंद्र भूमिया के साथ तय किया और शिक्षकों ने मिलकर जन शिक्षक विपिन तिवारी के संयोजन में मुहास शिव मंदिर में विवाह समारोह का आयोजन किया। मंदिर परिसर में जन शिक्षा केंद्र बड़ा गांव के साथ ही अन्य स्कूलों के शिक्षकों ने भी समारोह में पहुंचकर सहयोग किया। खमरिया से आई बारात का स्वागत शिक्षकों ने परिजनों के साथ किया। उसके साथ विवाह की सभी रस्में भी माता पिता बनकर पूरी कराई। विवाह गीतों से मंदिर परिसर गूंजता रहा और शाम को गृहस्थी का सभी सामान देकर वंदना को विदा किया। विवाह समारोह के दौरान बीआरसी देवी सिंह ठाकुर, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर, कृष्ण कुमार गुप्ता, अशोक विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार गुप्ता, प्रदीप खर्द, स्वरूप लाल चौधरी सहित शिक्षक व समाज सेवी उपस्थित थे।